दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच तीनों का ऐलान कर दिया गया है। तीनों को नई अपॉइंटमेंट मिली है और तीनों कौन कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों गैर मुल्की कोचेस पर बेशुमार पैसा बहाने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आखिरकार होश आ ही गया कि हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लेजेंड्स पड़े हैं जो इनकी कोचिंग कर सकते हैं। और नए तीन कोचेस की अपॉइंटमेंट कर दी गई है और ऐलान भी कर दिया गया है। वो तीन नए कोचेस कौन कौन से हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर वन, बैटिंग कोच, पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड यूनस खान। यूनस खान इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग कोचिंग करेंगे और पूरी उम्मीदें हैं कि इनकी एक्सटेंशन कर दी जाएगी और इनको आगे T20 वर्ल्ड कप तक बैटिंग कोच रखा जाएगा। नंबर टू, दोस्तों स्पिन बॉलिंग कोच की बात की जाए तो मुश्ताक अहमद को किया गया है। इससे पहले मुश्ताक अहमद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के कोच भी रह चुके हैं। नंबर थ्री, फील्डिंग कोच, दोस्तों अब्दुल मजीद जूनियर को फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। वो इससे पहले डोमेस्टिक और वुमेन क्रिकेट टीम की फील्डिंग कोच रह चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हेड कोच मिसबाउल हक हैं और फास्ट बॉलिंग कोच वकार यूनस। तो फ्रेंड्स आप पूरे कोचेस पाकिस्तानी हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।